हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे कलाकार आए और गए, पर एक कलाकार ऐसे रहे जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम दिया, जिनकी अदाकारी से बॉलीवुड में एक अलग तरह की एक्टिंग का जन्म हुआ। जिस महान शख्स ने ये सब साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार की, जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपनी अदायगी से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। लेकिन आज हम आपको दिलीप कुमार साहब की फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि दिलीप साहब के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, जिन्हें आप शायद ही जानते हो। तो डियर सब्सक्राइबर्स, चलिए जानते हैं दिलीप कुमार की उन बातों के बारे में जिनसे आज तक शायद आप अनजान रहे हों। हिंदी सिनेमा जगत के बेहतरीन एक्टर दिलीप कुमार का पूरा नाम यूसुफ खान है, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जहां आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दिलीप कुमार साहब और हिंदी सिनेमा जगत के सोमेन राजकुमार साहब दोनों ही बेहद अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। लेकिन 17 साल की उम्र में जब दिलीप साहब अपने पिता से लड़ाई कर पुणे आ गए, तो उन्होंने पुणे आकर स्कूल के बाहर सैंडविच का एक स्टॉल लगाया था। दरअसल दिलीप साहब एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, जहाँ उनके पिता का कारोबार पेशावर और कई बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ था। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की, तो जिस बॉम्बे टॉकीज के बाहर दिलीप कुमार सैंडविच की दुकान लगाया करते थे, उस समय महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर उन पर पड़ी। और जब उनकी नजर उन पर पड़ी तो वो हैरान रह गईं। भला एक सैंडविच बेचने वाले को इतनी अच्छी इंग्लिश और उर्दू कैसे आ सकती है। और इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बुलाया और उन्हें बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी दी, जिसके बाद उन्हें साल 1944 में आई फिल्म ज्वार भाटा में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। और इसी दौरान उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। जहाँ एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें हॉलीवुड फिल्में भी ऑफर की गईं, लेकिन उन्होंने फिल्मों को करने से मना कर दिया। उस फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिस फिल्म को 1963 में सबसे ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई थी और दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड उन्हें 1952 की फिल्म दाग के लिए मिला था। 50 के दशक में दिलीप कुमार साहब पहले ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे, जिनकी फीस करीब 1 लाख से ज्यादा होती थी। जहां अगर आज इन्हें किसी एक्टर से कंपेयर किया जाए तो वो रजनीकांत हो सकते हैं, जो आज फिल्मों में काम करने के 30 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही हिट हो जाया करती थी। फिल्मों में अपनी उम्दा अदायगी से हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाले दिलीप कुमार साहब को उस समय ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दिलीप कुमार साहब अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे। जहां एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दिलीप साहब से कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो, उसमें तुम बेहद जचते हो। जब इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एंट्री हुई तो दिलीप कुमार की फिल्में फ्लॉप होने लगीं। इसके बाद उन्होंने लगातार इंडस्ट्री से 5 सालों तक दूरी बना ली, पर उनकी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने 1981 में दोबारा एंट्री ली तो उन्होंने फिर से अपना जादू बिखेरा। इस बार दिलीप कुमार ने सिर्फ कैरेक्टर रोल्स निभाना शुरू कर दिया, जिनमें उनकी फिल्में क्रांति, शक्ति, मिसाल, धर्म, अधिकारी, कानून, अपना अपना सौदागर और किला जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें उनके अभिनय ने आज भी हर किसी के दिल में एक अलग जगह बना रखी है, जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज भी अगर इन्हें किसी फिल्म के लिए जाना जाता है तो वो है 1960 में आई फिल्म मुगले आजम, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ऐतिहासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 1967 की फिल्म राम और श्याम में डबल रोल निभाकर उन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। दिलीप कुमार साहब ने इस कैरेक्टर से इंडस्ट्री में एक अलग ही इतिहास बना दिया था कि कोई अभिनेता पहली बार 2 कैरेक्टर में नजर आया था। दिलीप कुमार साहब ने हिंदी सिनेमा जगत में सबसे ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए हैं।
और इसीलिए वो सबसे ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले टाइटल को हासिल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इसके अलावा इन्हें साल 1991 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही दिलीप साहब को साल 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। यही नहीं, दिलीप कुमार साहब को बाबा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो किसी भी कलाकार के लिए उसकी काबिलियत को दर्शाता है। और इन्हीं फिल्मों को करने के बावजूद आज दिलीप कुमार साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को एक बेहतरीन कलाकार की लिस्ट में शुमार किया है। लेकिन अगर बात की जाए उनके निजी जीवन की, तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई अभिनेत्रियों को डेट किया, जहां उनका पहला प्यार मधुबाला थी और दोनों की लव स्टोरी 7 सालों तक चली। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सेट पर होते हुए भी दोनों ही एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। दोनों का ये लंबा रिश्ता खत्म हो चुका था, जहां मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप कुमार साहब की जिंदगी में सायरा बानो ने कदम रखा और साल 1967 को दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी और दिलीप कुमार साहब की उम्र 44 साल की थी। कहा जाता है कि सायरा बानो के बाद उन्होंने दूसरी शादी इसलिए कर ली क्योंकि उन्हें सायरा बानो से बच्चा नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने साल 1981 में अम्मा रहमान से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इस शादी से भी इन्हें बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से इन्होंने 1983 में उन्हें तलाक दे दिया था और फिर से सायरा बानो की जिंदगी में लौट गए थे, जहां आज दोनों एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज दिलीप कुमार साहब 97 साल के हो चुके हैं और अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई में अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दिलीप कुमार साहब से जुड़ी इन सभी बातों को जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।